यहाँ पे लिखा हुआ है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। इधर यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो इस साइड में हमको चलना है। कुंभलगढ़ उदयपुर से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र तल से लगभग 1914 मीटर पर स्थित है और चित्तौड़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण किलों में शामिल है। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था तथा उनके पिता महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हल्दी घाटी का जहाँ युद्ध हुआ था वो स्थान मैंने आप लोगों को दिखाया था, हल्दी घाटी का दर्रा दिखाया था और भी वहां पे कई स्थान मैंने आप लोगों को दिखाए थे। अभी हम पहुँचे हैं उस किले पर जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हम अभी हैं उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुंभलगढ़ के किले पर। ये जो किला है इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। 1448 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1458 में ये किला बनके तैयार हो गया था। यहाँ पे ये जो मंदिर है, इस मंदिर को जब ये किला बन गया था तो इस मंदिर में यज्ञ करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये 1458 में ही ये मंदिर बनवाए गए थे, जब मतलब किला बन गया था उसके बाद हवन करने के लिए यहाँ पे ये मंदिरों को बनवाया गया था। इस किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर की मतलब लंबी है, 36 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। हमारे भारत की सबसे लंबी दीवार है ये, चीन के बाद दूसरे नंबर पे ये दीवार आती है, यानी चीन की जो दीवार है उसके बाद सेकंड नंबर पे इस दीवार को गिना जाता है। भारत की सबसे लंबी दीवार है, यानी विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है ये। वैसे तो चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा किला बताया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है, लेकिन अगर एरिए की बात करें तो 36 किलोमीटर में ये किला फैला हुआ है। इसमें 360 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें 300 जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू मंदिर हैं। मंदिरों की संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ही मंदिर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और पीछे आप चले जाएंगे तो पूरा मंदिर ही मंदिर हैं आगे की तरफ। मेन जो किला है वो ऊपर है जहाँ पे महाराणा कुंभा का रहने का स्थान बना हुआ है, वो कमरा भी है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं। अभी हम चलने वाले हैं किले के ऊपर, यहाँ पे लिखा है बादल महल। बादल महल आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो सबसे ऊपर बना हुआ है एक महल है जिसको राणा फतेह सिंह ने बनवाया था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए वहाँ पे कितने सारे मंदिर बने हुए हैं और एक घाटी है, घाटी में भी बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप आगे की तरफ नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। अभी हम किले के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई है, प्रेम रतन धन पायो, जो सलमान खान उनका यहाँ पे रखा जाता है जब वो जख्मी हो जाते हैं। इसी किले के अंदर एक सुरंग में ले जाके उनको रखा जाता है और एक गाना है उस फिल्म के अंदर। तो उसमें यहाँ पे सलमान खान जहाँ से हम किले में मतलब एंटर हुए थे वहाँ से हम अभी तीसरे गेट में एंटर करने वाले हैं, इसका नाम है भैरव पोल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए नीचे का जो नज़ारा है दिख रहा है, यहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं और वो विशाल दीवार आप लोगों को दिख रही होगी किले की, तो इसी तरह की ये देख रहे हो घुमावदार अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर और घुमावदार यहाँ से दीवार बनी हुई है और ये 36 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जो यहाँ से देख पाना तो मुश्किल ही होगा। अरावली पर्वतमाला का जो अभी दृश्य है बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हरी हरी वादियाँ दिख रही हैं क्योंकि अभी मानसून का मौसम है ना, इसलिए नीचे का जो नज़ारा है बहुत ही बेहद ही खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे उत्तराखंड में है।
ये है भैरव पोल। यहाँ पे देखिए ये शिलालेख जो लगा हुआ ना उसी जमाने का है, और इस पे देखो बहुत ही बारीक तरीके से लिखा गया है। पीछे एक गाय का चित्र बना हुआ है जिसमें बछड़ा दूध पी रहा है। और ये गेट है, गेट में आप किसी भी महल के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार का गेट होगा जिसमें ये जो कीलें होती हैं ना ये लगी होंगी, तो ये हाथियों से बचाव के लिए लगाई जाती थी। पहाड़ को काट के ये देखो दीवार यहाँ पे बनाई गई हैं, इन्हीं पहाड़ों को निकाल के ऊपर इन्हीं से ये किला बनाया गया है। इस किले के अंदर ऊपर की जो दीवार है वहाँ पे देखेंगे तो देखो ईंट का प्रयोग हुआ है, ये उसी जमाने की जो पतली वाली ईंट आती है ना उसका काम है। जो किले की मेन दीवार है उसमें भी इस तरह की ईंट को लगाया गया है। आइए अगले गेट की तरफ अब हम लोग चलते हैं। जब हम लोग इस गेट से यानी जो चौगान पोल है, चौगान द्वार है, उससे जब एंटर होंगे तो अभी हम महल के अंदर आ चुके हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं उस ज़माने की जो तोपें रखी हुई हैं। कुछ तोप हैं जो यहाँ पे अभी भी रखी हुई हैं सुरक्षित तरीके से। यहाँ पे देखिए ये एक तोप रखी हुई है और इस साइड में और भी कुछ तोपें रखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे जो तोप है, तोप के पीछे ही एक फोटो लगा हुआ है यानी एक चित्र लगा हुआ है, उसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इस तोप को लगाया जाता था। ये जो तोप खाना है, तोप खाने से जब आप थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ तो है नहीं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये एक कुंड बना हुआ है पानी को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ये जो किले होते थे बहुत ऊंचाई पे बने रहते थे तो पीने के लिए जो पानी यूज होता था वो बारिश के पानी को ये लोग स्टोर करके रखते थे और उसी को ये लोग प्रयोग में लेते थे पीने के लिए, और भी सारा अपना जो दिनचर्या का काम होता है उसको करने के लिए इसी पानी को ये लोग प्रयोग में लेते थे। यहाँ पे ये पक्का एक कुंड बना हुआ है जिसमें अभी भी पानी है, नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं इसकी साफ़ सफाई के लिए, और ऊपर यहाँ पे ये जो मेन महल है वो महल बना हुआ है जिसमें राणा कुंभा का महल है, और वो कमरा है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो हम यहाँ पे ये बना हुआ है कुंभा महल, बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है, बहुत साधारण सा महल है जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कमरे टाइप के बने हुए हैं, एक ये और एक इस साइड में, बीच में यहाँ पे खुला हुआ मैदान है और नीचे का जो एरिया है उसमें एक मंदिर बना हुआ है। नीचे मंदिर है और ऊपर जाना अलाउ नहीं है, ऊपर आप लोग नहीं जा सकते, जो कुछ बना है वो ऊपर ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक खुला हुआ यहाँ पे आंगन है और इस साइड में कमरे बने हुए हैं और एक कमरा ये बना हुआ है। यहाँ पे ये बना हुआ है कुंभा महल, कुंभा पैलेस, तो अंदर यहाँ पे एक मंदिर है और कुछ नहीं है, पूरा मतलब चौक है, खाली है। बीच में अगर आप देखेंगे वहाँ पे आंगन है, एक आम का पौधा है। यहाँ पे कुछ ये कमरे टाइप के बने हुए हैं। ये है इस किले का सबसे हाईएस्ट जो पैलेस है जिसको बादल पैलेस के नाम से जानते हैं, बादल महल के नाम से जानते हैं। इसको राजा फतेह सिंह ने बनवाया था। बीच में यहाँ पे ये जो बना हुआ है, यहाँ पे पहले हो सकता है तुलसी का पौधा लगा होगा। यहाँ पे मंदिर है एक, और अंदर हम लोग चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी पेंटिंग है, इसकी पेंटिंग को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है।
अभी हम किले के बिल्कुल मतलब जो महल है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये है बादल महल। तो ये इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पे एक सामने वो वोर्ज बना हुआ है, यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है और बीच में यहाँ पे महल है। ये चलिए थोड़ा सा आगे चल के दिखा देते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे रील बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। इधर यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो इस साइड में हमको चलना है। ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग ऊपर जाएंगे और यहीं पे वो कमरा बना हुआ है जो महाराणा प्रताप का, जहाँ पे जन्म हुआ था। और ऊपर बादल महल है तो इसी कमरे में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। और इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें अंदर से ताला लगाया गया है। तो यही है वो कमरा जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कमरा बना हुआ है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ज्यादातर पर्यटक यहाँ पे आते हैं महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है उसको देखने के लिए, लेकिन इसको अभी बंद किया हुआ है। यहाँ से तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ से अगर आपको दिखेगा तो ये ताला लगा हुआ है इसमें। और ये महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, मेरे हिसाब से जो जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती होती है ना उस दिन इसको खोला जाता है, और बाद बाकी ये समय में ये बंद रहता है। क्योंकि आज से मैं पहले यहाँ पे आया था, लगभग 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम पे भी ये यहाँ पे ताला लगा हुआ था, लेकिन वो ताला बाहर था, अभी अंदर से लगा दिया गया है। यही है वो स्थान जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इसी को देखने के लिए तो हम, वैसे तो हम इसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन अभी पूरा किला आप लोगों को दिखा चुके हैं। यहाँ पे और भी पर्यटक कोई भी, ज़्यादातर लोग आते तो हैं लेकिन नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर तक कोई नहीं आता है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अभी इसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये सिर्फ जब महाराणा प्रताप की जयंती होते है उस दिन इसको खोला जाता है। दोस्तों अभी हम लोग कुंभलगढ़ का फोर्ट घूम के आ चुके हैं और हमको अभी जाना है उदयपुर। उदयपुर लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। We'll be right back.